हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? सब सही हैं? आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। राइट, तो फिर से है ना, रात के समय। अब रात कहना तो गलत है, अब सुबह होने ही वाली है। तो चलते हैं अपने अगले कदम की तरफ। तो एक बार प्लीज़ मुस्कुरा दीजिए, ठीक है? मैं हूँ आपका होस्ट, प्यारा प्यारा दोस्त। राइट, तो मुस्कुराइए। आप मेरे चैनल पर हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगली बात। अब फीड फोटो देख के आपको मज़ा आ ही रहा होगा, ठीक है? गब्बर सिंह, आज हम शोले की कहानी सुनेंगे, है कि नहीं? राइट, तो फास्ट ट्रैक बोर्ड है, कहानी ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगा। राइट, तो देखिए क्या कहते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सैयारा रे सैयारा, ये वाला गाना सुना था। तो अब हमें पढ़ना है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने मेरी ऑर्गेनाइजिंग वाली वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने पढ़ा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? बिल्कुल वो सेम वही पैटर्न है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हम बातें करेंगे एक दूसरे से, है ना, रिस्पेक्टफुली बातें करेंगे, इज्जत से बातें करेंगे, सर कह के बात करेंगे, आप कह के बात करेंगे, मिस्टर मिसेज ला के बात करेंगे, तो जो भी प्यार मोहब्बत से इज्जत से बात हो रही है वो फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है, जो हम मजेदार तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना, ओए कहाँ जा रहा है भाई, क्या लाया है, ठीक है, आज बैंगन का भुर्ता लाया है क्या? तो ऐसी ऐसी बातें जो हम स्कूल में करते हैं, ठीक है ना, राइट, वो होती है इनफॉर्मल। तो ऐसी कम्युनिकेशन भी होता है, आपको बताइए। यानी कि अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ऑफिस के बारे में दे रहे हैं, तो ये सारी फॉर्मल ही बातें हैं। राइट, बिल्कुल बात समझ में आई होगी आपको। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होता है? वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल आप जानते हैं, यानी कि इस तरीके से चलेगा, यानी कि सिंगल लाइन। और हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? ऐसे। और डायगोनल कैसे होता है? ऐसे। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऐसे होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा और डायगोनल ऐसे होगा। बिल्कुल हायरार्की अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर में समझी होगी तो समझ जाओ। बॉस मैनेजर जूनियर को बोल रहा है, इसमें क्या होगा, जूनियर उसको रिपोर्ट दे रहा है या उसको ऑर्डर मिल रहा है, पिताजी तुम्हें कह रहे हैं पानी ले आ, ठीक है, तुम रिपोर्ट ले आ, पापा मैं पानी ले आया, ठीक है। उल्टा नहीं हो सकता कि तुम पापा करो, पापा पानी लाना एक गिलास, ठीक है, तो चप्पल आएगी पानी भीगी हुई, समझ गया ना। हॉरिजॉन्टल जो बिल्कुल बराबर के हैं, जैसे मम्मी पापा, यानी फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सेम लेवल के लोग हैं। और डायगनल एक लोअर लेवल का बंदा, ठीक है, समझ लो बात को, वो एक दूसरे हायर लेवल के बंदे से बात करता है, यानी कि प्रोडक्शन, एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ आपको, प्रोडक्शन के अंदर जो फोरमैन है वो मार्केटिंग के हेड से बात करता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायगनल कम्युनिकेशन। अब मुद्दे की बात आती है, ये तो समझ चुके होंगे आप। अब मुद्दे की बात आती है, सर ये जो डायग्राम बन रहे हैं ये क्या है? तो देखो ये जो डायग्राम बन रहे हैं, ठीक है ना, आप जिन बच्चों के पास ये बुक है वो साइड वाले पेज पे लिखते जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे जो डायग्राम बन रहे हैं तो इसमें हम इसका नाम लिख लेते हैं, आसानी से हो जाती है। जैसे इसको बोल देते हैं हम ए, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, और इसको डी, और इसको ई, चेन में ये हो गया हमारा भाई साहब ए। ए मतलब बॉस, जो नीला नीला है ना वो बॉस है, ठीक है, गाना गाते हुए आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। और यहाँ पे ये बंदा हो गया भाई साहब, हो गए ए, ठीक है ना, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है, गोले गोले आप भर लेंगे, राइट। और ऐसे ही इसमें ये भाई साहब ए हो गए, ये बी सी डी और ई, और ये तो आपको दिख ही रहे हैं, ये गब्बर है, ठाकुर है, जय और वीरू, ठीक है। अब सिंपल सी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ लिखने की बजाय, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, फास्ट ट्रैक मोड में हम चल रहे हैं, तो लिखी लिखाई बातें मैं आपको बता देता हूँ, है ना। आप इस बुक, जिनके पास ये बुक है वहाँ नोट डाउन कर लें। सिंगल में क्या होगा, जब सिंगल बात चलेगी तो ऑफिस की कोई भी बात होगी वो चेन में चलेगी, यानी कि बॉस जो MD होगा वो दूसरे मैनेजर को, उसको बताएगा, CEO को, CEO प्रेसिडेंट को बताएगा, फिर वो मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, एम्प्लॉय को, जूनियर को, फिर फोरमैन को, फिर ऐसे बिल्कुल सिंगल चेन में, ठीक है। ये लिखा है, इसे हम हेनरी फ्योल की भाषा में बोलते हैं स्केलर चेन, याद आ गया होगा। ये लिखा है ABCD, यानी कि यहाँ पे अगर खास बात देखो तो जो अगर बी और सी को बात करनी है तो पहले बी ए को बोलेगा और फिर ए सी को बोलेगा, तो बॉस है बीच में, ठीक है, जो भी इधर बात करनी है मेरे थ्रू ही पहुँचेगी, यानी उनको एक दूसरे से बात करना अलाउड नहीं है। इसे में इसके साथ ए बी को बताएगा, बी सी को, डी को और ई को। अगर मान लो ए को बात बतानी है डी को, तो या तो वो बी सी के थ्रू पहुँचाएगा या पहले ई को बताएगा फिर वो डी को बताएगा। सिर्फ
एडजॉइंड जो कलीग्स हैं उनसे ही बात आप कर सकते हैं, तो मज़ा नहीं आया। इसमें भी तो सिंपल बहुत डिले, इसमें डिले इन कम्युनिकेशन, इसमें भी डिले इन कम्युनिकेशन। सबसे खतरनाक चलता है जो कोई किसी के कमरे में बिना नॉक नॉक करे घुस जाओ, वो है भैया ये नो रिस्ट्रिक्शन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे घर में ही चलता है, कोई किसी की बात करता है, एवरी वन इज फ्री टू कम्युनिकेट विद एवरी अदर पर्सन। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड, सबसे तेज यही है, ठीक है। फिर आता देखो बॉस, इसमें अगर बात करें तो देखो क्या लिखी है बात, सिंपल। ये तो हो गए हमारे बिग बॉस, है ना, ये जी बिग बॉस, बिग बॉस सलमान खान गब्बर है ना, ये हमारे सिर्फ बॉस है। ये भैया एम्प्लॉय वन, ये एम्प्लॉय वीरू टू। अगर ध्यान से देखो तो जय बॉस से भी डायरेक्ट बात कर सकता है और बॉस के बॉस से भी बात कर सकता है, वीरू भी डायरेक्ट इससे बात कर सकता है और इससे भी डायरेक्ट बात कर सकता है। अगर देखो ये क्या है, ये तुम्हें ए दिख रहा है ना, ए इन्वर्टेड वी, अगर मैं ए को उल्टा कर दूं तो देखो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें वी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये ट्वीन ट्वीन है कि नहीं बात, इसलिए इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड वी। ए को उल्टा करके देखेंगे तो इन्वर्टेड वी। तो सबॉर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद इज इमीडिएट सुपीरियर एंड सुपीरियर सुपीरियर, यानी जय इससे बात करेगा और वो इससे बात कर सकता है, ठीक है ना। तो ये भी फास्ट होता है, आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट दो बॉसेस से बात कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं पॉज करने के बाद, बिना टाइम वेस्ट करें। राइट, अगले टॉपिक आता है इनफॉर्मल। ये बहुत ही मज़ेदार है, देखो क्या कह रही हैं, इनफॉर्मल बातें यही होंगी, ठीक है ना। राइट भाई, बॉस की बीवी भाग गई, हाय राम किसके साथ भाग गई, ठीक है। तो ये कोई बात है करने वाली, ऑफिस में आप ऐसी बातें क्या कर नहीं करने आते, इसलिए एक दूसरे उनसे ही बात करेंगे जो इनको आप जानते हैं। यानी कि अगर आप अपने स्कूल में भी जाके अगर बात कर रहे हैं क्रिकेट की, इधर उधर की, ठीक है ना, बादशाह के किसी गाने की, हनी सिंह का भी गाना आ गया, ठीक है ना, लोका 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 है ना, ऐसे करके कुछ गा रहा है, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया है ना, तो भाई लोका लोका आ गया। तो भैया ये इनफॉर्मल बात होती है, इससे हमारे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ऑफिस में किसी ऑफिस वर्क का कोई लेना देना नहीं है, कोई फिक्स लाइन नहीं होती। सबसे फास्ट यही होता है, देर इज नो स्केलर चेन, आप बोलोगे देर इज नो स्केलर चेन, कोई स्केलर चेन नहीं है, कोई किसी से ही बात कर सकता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें सिंगल, अब देखो इसमें क्या हो, सिंगल देखो ये बन रहा है, जो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मान लेता हूँ कि भैया किसी की शादी पक्की हो गई, अब वो कह रहा भाई शादी पक्की हो गई, तो वो लाइन में बताएगा सिंगल स्ट्रेट में, वाई पहले डी को बताएगा भाई मेरी शादी पक्की, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कब है, अरे नंबर में भाई तो कोरोना वायरस चला है, वाई से फिर वो ही डी सी को बताएगा, अरे तुझे पता उसकी शादी पक्की होगी, अबे सी डी को अरे दावत आ रही है भाई दावत शादी पक्की हो गई, डी ए को, तो चेन में बात चलेगी लेकिन बात होगी इनफॉर्मल। फिर आता है गॉसिप, ठीक है, अगर आप गॉसिप पे ध्यान देंगे तो जो गॉसिप होगा वो जो बंदा है वही, यानी ए जिसकी शादी पक्की हुई है वही सबको बताएगा, इसको बताएगा इसको, पहले बोल देगा भाई मैं बताऊंगा सबको, तुम बताओगे तो अच्छा लगेगा यार मैं सबको बताऊंगा, तो खुशखबरी वही दे रहा है बेचारा भाई मेरी शादी पर, इसका ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, शादी पक्की होगी छुट्टी लेगा अब, तो वही डी को बताएगा सबको बता रहा है भाई शादी पक्की होगी आना जरूर है कि नहीं बात। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब ढिंडोरा पीटने टाइप, ठीक है, जो मिल गया उसी को, ए भगते भगते जा रहा था डी मिल गया भाई मेरी शादी पक्की होगी भाई, बिल्कुल उसकी तरह, जैसे कौन है वो तारक मेहता में पोपटलाल पत्रकार है ना, तो बिल्कुल उसकी तरह पत्रकार पोपटलाल खुशी में गली का चौकीदार मिल गया तो उसको बता दी, अरे चौकीदार भाई साहब उस दिन जरूर छुट्टी मत मान लेना, उस दिन मेरी शादी है चौकीदार आपको काम जरूर करना है, जे नहीं मिल पाया तो जे बेचारा पता ही नहीं लगा, बेड़े मास्टर अकेले रह गए, बेड़े मास्टर को पता ही नहीं लगी बात, ठीक है। उसके आगे जो होगा ना ये भी उस बंदे को बताएगा जो रैंडमली उसे मिल जाए, तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जो जिसको मिल रहा है उसे बता रहे हैं बिना सोच समझे कि उसको इससे मतलब है या नहीं है, ठीक है ना। इसने के को बता दिया के तुम्हें मिल गया तुम्हें बता दी बात, यार भाई मेरा दोस्त ऑफिस में उसकी शादी पक्की होगी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी समझ गए, कोई किसी को बताएगा बिना किसी जानकारी के कि आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। जैसे तुमने स्कूल में कह दिया भाई मैथ्स वाले मास्टर पिट गए, ठीक है, तो भाई अफवाह फैला दी, उनके किसी से कहा सुनी हो गई अफवाह फैला दी, स्कूल मैं जा रहा था शाम को वहाँ है ना, तो कोई किसी को बता रहा है मैथ्स वाले की पिटाई हो गई, ठीक है। क्लस्टर, क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर ये कहता है कि मैं इन्फॉर्मेशन जिसकी शादी पक्की हुई है उसे ही बताएगा जो उसको खास होगा, ठीक है। जैसे एक इंसान से मिला भाई बताऊँ किसी को बताइए मत, ये बताऊँ
किसी को बताइए मत, है ना, बहुत जरूरी बात है। तो बहुत जरूरी बात है ना, वो सिर्फ उसे बताएगा जिसको बहुत जरूरी बात उसे लगता है कि आगे फैलाएगा नहीं। तो क्लस्टर, हाँ भाई बता बता, तुझे पता है उसकी शादी पक्की हो गई, या तुझे बता भाई मैथ्स वाला भाग गया स्कूल छोड़ के, ठीक है दूसरा टीचर आएगा, राइट। इसने सी को बताया या एफ को बताया? एफ अगले उसी को बताएगा जो उसका बहुत खास होगा और फेथफुल और भरोसेमंद होगा। तो तुम किसी और के पास जाओगे, भाई तुझे मैं बताऊँ बहुत ज़रूरी बात है किसी को बताइए मत। अरे भाई बहुत ज़रूरी बात है किसी को बताइयो, है कि नहीं बात, अपने बता रखियो बात, सीक्रेट है, सीक्रेट है कि नहीं बात। तो वो बताएगा अरे भैया मैथ्स वाला स्कूल छोड़ कर भाग गया, ठीक है तो मैं बात, तो भैया ये उसको उसकी शादी पक्की हो गई। तो क्लस्टर का मतलब होता है जो हमारा बहुत खास बंदा होगा उसको ही बातें बता रही है, समझ गए, दोज हुम ट्रस्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो घर की बातें होती हैं, तो इसका कोड भी यही है। क्या कोड बनेगा? सब घर पे, चलो घर की बात घर पे रहनी चाहिए ना, तो सब घर पे चलो, सिंगल, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर। तो सब घर पे चलो, घर की बात घर पे करेंगे, ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और ये आपका होमवर्क है, फॉर्मल इनफॉर्मल में ध्यान से क्या पढ़ लेना, ठीक है ना, डिफरेंस पढ़ लेना। तो चलिए आई होप आपको मज़ा आया होगा फॉर्मल इनफॉर्मल में सुनने में भी, और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आया, राइट। तो अब बिल्कुल सुबह हो चुकी है, अब मैं सोने जाता हूँ, कल फिर से मिलेंगे, राइट, और फिर से मैं रिकॉर्ड करके आपको डालूंगा। तब तक एक बार ध्यान रखना, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर से वही कहानी है, मुश्किल ज़रूर है पर ठहरा नहीं हूँ मैं, 100 में से 100 को कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किल ज़रूर है ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, 100 के से 100 की मंजिल को पाना ही पाना है, ठीक है, राइट। जितने भी दिन बचे हैं अब सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं, दुआओं में याद रखना।